हेलो गाइस, तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा 6.2 करनी कैसे है। मैं अमित अवाना, तो आज हम क्या करेंगे, 6.2 करेंगे। और मैंने इससे पहले बता रखा है रिफ्लेक्टेड एंगल, वो रिफ्लेक्स एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप उसे देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमें 6.2 करनी कैसे है। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, ये हमें फिगर दे रखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम एक्स और वाई की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। और फिर हमें क्या शो करना है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एंगल एक्स प्लस में, ठीक है, प्लस में 50 इक्वल टू 180। 180 क्या, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, ठीक। अब हम एक्स निकालेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे, 180 हम इसे वहां ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -50, कितना हो गया, 130। एक्स की वैल्यू क्या है, 130। चलो अब एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। हम वाई को क्या कह सकते हैं, एंगल वाई इक्वल टू 130, ये इसके इक्वल है, क्यों है, मैंने आपको बताया था वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब एक बार बताओ, एंगल तो इससे फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स जो वाई के इक्वल है, इट मेक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स इक्वल, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं जो कि इक्वल है, ठीक है। तो क्या है ये, तो हम क्या कह सकते हैं, देन ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल टू ई आर, सी डी पैरेलल टू ई आर, ठीक। एंड वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड हमें कितना देखा, 3:7। फाइंड एक्स, हमें पर क्या फाइंड करना, एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक एंगल वन मान देते हैं, क्या मान देते हैं, एंगल वन, ठीक, एंगल वन मान लिया। अब सुनो, हमें गिवन क्या है, वाई रेशियो जेड कितना है, 3:7, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, लेट वाई इक्वल टू 3x एंड जेड इक्वल टू 7x, ठीक। और एंगल जो वाई है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल वन, ठीक, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो बच्चों, एंगल वन प्लस में एंगल जेड इक्वल टू 180, ये 180 क्यों है, ये इसलिए है, ये बना रहा है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। हाँ तो देखो, एंगल वन हमारा क्या है, वाई के इक्वल वाई कितना हुआ, 3x, एंगल जेड कितना हमारा, 7x इक्वल टू 180, ठीक, इन्हें प्लस करो, 10x इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 अपॉन में 10, कितना है, 18। बच्चों, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये है, जब हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो ना, ठीक, जब दो पैरेलल्स हो तो इसका और इसका सम 180 होता है, या फिर इसका और इसका सम 180, यही चीज़ हमें यही यहाँ पे किया है, ठीक है। तो हम निकालते हैं
एंगल वाई निकालते हैं, वाई क्या हमारा 3x, तो 3 × x कितना 18, कितना है 54। अब हम जेड निकालते हैं, जेड क्या है 7x, 7 × 18 126। ठीक है बच्चों, अब देखो हम एक्स कैसे निकालेंगे। हमें क्या है, एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई इक्वल टू 180 है, ऑल्सो 180 हो सकता है। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चा। अब देखो एंगल एक्स, एंगल वाई कितना हमारा अभी निकाले 54, 180 है, तो एंगल एक्स कितना हुआ 180 − 54, कितना हुआ 126। ठीक है, ये हमारे तीनों वैल्यू निकल गई, एक्स वाई और जेड भी। तो देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो हमारा किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक है जी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये हमारे क्या बना रहा है, ये एंगल 90। ठीक है, जी ई डी इक्वल टू 126, जी ई डी ये हमारा पूरा कितना है 126। अब हमें पॉइंट क्या करना है, ए जी ई ए हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसे, ये फाइंड करना है जी ई एफ, ये फाइंड करना हमें, और क्या फाइंड करना, एफ जी ई। ठीक है, तो पहले हमारे ये देखो हमें गिवन क्या क्या है, जी ई डी 126, ठीक है, एंगल एफ ए डी इक्वल टू 90, 90 क्यों है ये, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। ठीक है, तो हमें पहले निकालना क्या है, ए जी ई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, एंगल ए जी ई ये वाला एंगल के इक्वल है, तो के पैरेलल है वही हमारा, ये क्या क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारा ए जी कितना हो जाएगा इक्वल टू जी ई डी, जी ई डी हमें पता है कितना 126, हमारा फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया, अब हमें फाइंड करना है जी ई एफ, तो हम देखते हैं जी ई एफ कैसे फाइंड करें। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या दे रखा है, जी ई डी को हम ये लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी, या फिर ऐसे लिख लो इसे, एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, क्योंकि एक बार बच्चों बताओ, ये और ये एंगल प्लस करके ये पूरा ही तो बना रहे, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो जी ई एफ निकालना हमें, तो इसको ऐसे ही रहने दो, एफ ई डी कितना हमारा, एफ ई डी 90 है, और जी ई डी हमें पता 126 हमें दे रखा है। तो देखो हमारा एंगल जी ई एफ कितना हुआ 126 माइनस में 90, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 636। ठीक है, तो हमारा जी ई एफ कितना हो गया 36। तो अब हम देखते हैं हमें आखिर क्या निकलना है, एफ जी ई। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा कितना निकला था 36, ठीक, ये हमारा कितना निकला 126। अब हमें ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल ए जी ई प्लस में एंगल ई जी एफ
180, ये तो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ए जी कितना निकला हुआ, 126 प्लस में एंगल डी जी एफ इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखो एंगल ए जी एफ इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना आएगा, 4। 54 आंसर आया। कितना आएगा हमारा, ए जी एफ इक्वल टू 54, या फिर हम क्या लिख लो मैं, एंगल एफ जी ए इक्वल टू 54। ठीक है, हमारे दो एंगल पहले क्या आए थे, एंगल जी ई एफ ये कितना आया था हमारा, 36। ठीक है, और एक और था हमारा क्या था, ए जी ए, ए जी कितना है, 126। ये हमारे आंसर आ गए। तो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इन फिगर पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू एस सी, एंगल पी क्यू आर 110, आर एस सी 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें ये वाला फाइंड करना, क्यू आर एस। ठीक है, एक हमें हिंट भी दे रखे इस क्वेश्चन में, क्या देखे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस सी थ्रू अ पॉइंट आर, हम इसके एक आर पॉइंट से ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पैरेलल टू एस टी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस टी। ठीक है, अगर ए बी पैरेलल टू एस टी है और एस टी पैरेलल टू पी क्यू है, तो ए बी ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं, हमें पहले ये क्वेश्चन निकालने से पहले, क्यू आर एस निकालने से पहले हमें ये और ये निकालने पड़ेंगे, ये जब भी निकलेगा। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था, इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक। अब देखो पी क्यू आर कितना है, 110 प्लस में एंगल क्यू आर ए कितना है, पता नहीं, एंगल 180। ठीक है, एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 माइनस में 110 कितना है मेरा आंसर, 70। ये कितना है, 70। अब हम देखते हैं, अब हम फाइंड करते हैं एफ आर बी को। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल टी एस आर प्लस में एंगल एस आर बी इक्वल टू 180, सेम है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, तो देखो ये कितना हमारा 130, एस आर बी कितना है पता नहीं, 180, तो एंगल एस आर बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 130 कितना, 50। ये हमारा कितना आ गया, 50। ठीक, अब हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, तो हम फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं, ये उतार लिया, नहीं उतार तो इसका स्क्रीन शॉट खींच लो। तो देखो एंगल क्यू आर ए प्लस में एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल एस आर बी, ये कितना हमारा 180, क्योंकि ए बी इज ए लाइन। ठीक है, ए बी एक लाइन है, लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं सारे 180 होते हैं, सारे कहने का मतलब इन सबका सम 180 होगा। ठीक है, तो ये कितना है, 70 प्लस में एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल एस आर बी कितना हमारा, 50, सॉरी हमने अभी निकाला था, 50 इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करो, एंगल क्यू आर एस प्लस में 70, 50, 120।
180 माइनस 120 कितना हो गया मेरा 60। एंगल क्यू आर एच कितना हो गया हमारा 60। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर एक फिगर देखे, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ए पी क्यू, ए पी क्यू हमें 50 दे रखा है, पी आर डी, पी आर डी हमें 127 दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है एक्स और वाई, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं, हम पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या हमें एंगल ए पी क्यू 50 और एंगल पी आर डी 127, ठीक है। अब बच्चों ये देखना, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी लिख सकते हैं हम। अब कहोगे किस वजह से, इस वजह से क्योंकि ये बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये पूरा इसके इक्वल आ गया, ठीक। तो एंगल ए पी आर को क्या लिख सकते हैं हम, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू ए पी क्यू क्यू पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी आर वही मैंने यहाँ कर दिया, तो इक्वल टू 127, पी आर क्यू डी कितना हमारा 127, ठीक। ए पी क्यू हमने दे रखा है 50 प्लस में क्यू पी आर, क्यू पी आर हमारा क्या है, क्यू पी आर हमारा वाई है 127, तो वाई कितना है गया 127 माइनस 50, तो कितना आएगा बच्चों, सेवेंटी सेवन। हमारे वाई कितना है गया 77। अब हमें एक्स निकालना है, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना बच्चों, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तुम्हारा ए पी क्यू ये कितना हमारा 50 और ये हमारा क्या एक्स, तुम्हारा एक्स क्या गया 50, हमारे दोनों निकल गए, क्या निकल गए, वाई हमारा कितना निकला 77, एक्स का निकला हमारा 50। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा मज़ेदार भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, ये एक फिगर देखिए, पी क्यू और आर एस टू मिरर, पी क्यू और आर एस टू मिरर है, ठीक है। आर एस क्या दो मिरर है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ए बी, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, एक मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक किस पॉइंट पे, बी पे, रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, और जो ये स्ट्राइक होके बी पे, ए बी स्ट्राइक हो बी पे कहाँ चली गई, सी डी पे, सॉरी सी पे, पॉइंट सी, और इसने क्या पाथ बनाया बी सी, ठीक है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, फिर आर एस पे ये फिर से स्ट्राइक हुई सी पे आई, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक टू सी डी, और फिर से रिफ्लेक्टेड बैक हो गई कहाँ पे, सी डी पे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो हम पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले इसमें एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ये एन है और ये क्या है एम, ठीक। इसे हम मान लेते हैं एंगल वन वन, इसे मान लेते टू, ये थ्री, ये ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक, एंड सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। इफ
ठीक है, पैरेलल टू आर एस देन, अब एक बार बताओ कोई चीज परपेंड ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर भी तो दोनों 90 बनाते हैं, सोच जाए ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पैरेलल बनाएंगे, अगर हम इन्हीं दो लाइनों को अलग अलग ले लें तो ये भी तो पैरेलल ही होगी ठीक है, अगर ये दो लाइन हमने अलग अलग ले ली, ये 90 तो ये भी 90, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। ठीक, तो देखो अब हम आगे कैसे करते हैं, ठीक है, अब हमें देखना है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। अब ये कहोगे सर जी हो कैसे गया, साइंस में लाइट चैप्टर पढ़ा है, लाइट में क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, वही चीज है ठीक है, इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, इन दोनों का क्या रीजन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप पूछोगे ये हुआ कैसे, जब भी हमारी कोई रे होती है मिरर पे जाती है ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड बैक होती है, इसके जो परपेंडिकुलर है उसे बोलते हैं हम नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ही होता है, ये दोनों क्या रहते हैं हमेशा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे कैसे, ठीक, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, और देखो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू लिख सकते हैं हम, इसे थर्ड मान लो, क्यों, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक। तो देखो अब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में देखें, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर है, एंगल थ्री और एंगल टू भी इक्वल है ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर लिख सकता हूँ, क्यों, एंगल वन टू के इक्वल है, टू किसके इक्वल है, थ्री, और थ्री किसके इक्वल है, फोर के ठीक है। अब मैं दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, टू की ट्वाइस ऑफ एंगल वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल फोर ठीक है। अब यहाँ देखो मैं ये मिटा देता हूँ ऊपर का ठीक है, ताकि हमारा आगे सॉल्व हो पाए, देखो अब इस ट्वाइस ऑफ एंगल वन को क्या लिख देता हूँ, एंगल वन प्लस में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, सॉरी एंगल फोर प्लस में एंगल फोर, इसी को मैंने अभी क्या बताया था, एंगल वन प्लस में एंगल वन किसके इक्वल था, एंगल टू के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल थ्री फोर को क्या, एंगल थ्री प्लस में एंगल फोर ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये हमारा हुआ ठीक है, ये क्या बना रहे हैं हमारे, इट फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स आर इक्वल ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, ए बी पैरेलल टू सी डी, जब ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो ये इसके पैरेलल हो गया ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ठीक है, मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, आपको और एक्सरसाइज कराता रहूँगा ठीक, तो इसी तरीके से हम लगे रहेंगे और आप भी लगे रहो।